हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जो आप आई लुक देख रहे हो ना, ये गोल्डन हेलो आइज़ है। अगर आप भी इस तरीके की आई लुक क्रिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये लुक क्रिएट ज़रूर कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने बेस क्रिएट किया है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर कंसीलर। कंसीलर मैंने लिया है स्टार्स की और उसे इस तरीके से फिंगर से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड की कंसीलर हो तो आप अप्लाई कर लेना। देन मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप डे ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आप पहले ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे तरीके से वेट कर लेना, देन आप स्क्वीज करना। मैंने लिया है यहाँ पे एक स्मॉल पेंसिल ब्रश और कप्स एंड लेसेस की पैलेट से ऑरेंजिस ब्राउन कलर में पिक कर रही हूँ और उसे सिर्फ आपको इस तरीके से देखो, आपको आउटर कॉर्नर पे भी शेप में इस तरीके से अप्लाई करनी है, देन इनर कॉर्नर पर भी इस तरीके से भी शेप में अप्लाई करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अप्लाई करो। आप फ्लफी ब्रश यूज़ मत करना, नहीं तो यहाँ पे इधर उधर हो सकता है। उसके बाद उसी ब्रश को मैंने हाथ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से क्लीन किया है, देन मैं इसे बस क्रीज लाइन पे इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों कलर को आपस में मिला रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से करनी है और मैं भी स्टेप का भी ख्याल रखते हुए मैं इस तरीके से दोनों कलर को आपस में मिला रही हूँ। अब जो है मैंने लिया है यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश और जो मेरी हार्स लाइन नज़र आ रही थी ना क्रीज लाइन पर, उसे मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। सिर्फ क्रीज लाइन को आपको ब्लेंड करनी है, आईलिड पर लेकर के नहीं आनी है। यहाँ पे इस तरीके से आप भी ब्लेंड करना ताकि आप कभी भी किसी भी आई लुक क्रिएट करते हो तो आप इस बात का खास ख्याल रखना कि आपके कलर्स के बीच में हार्स लाइन नज़र ना आए, इस तरीके से ब्लेंड आउट होकर के नज़र आए। यहाँ पे मैंने लिया है हेटेड विथ लव की पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड। आपके पास किसी भी पैलेट पर डार्क ब्राउन शेड है तो आप इस तरीके की एंगुलर ब्रश पे उसे पिक कर लेना और इस तरीके से भी शेप पे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना और देन इनर कॉर्नर पे भी हम इसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल भी शेप में अप्लाई करेंगे और मैं जो है वो जो ऑरेंजेस पीचिस कलर जो था उसके साथ मैं इसे ब्लेंड भी करती जा रही हूँ और भी शेप में अप्लाई भी करते जा रही हूँ। अब मैं इनर कॉर्नर पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर डार्क ब्राउन शेड नहीं है तो आप ब्लैक शेड का भी यूज कर सकते हो या फिर आप अपनी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड कलर्स को मिलाकर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है इस तरीके की एक स्मॉल फ्लैट ब्रश और कप्स एंड लेसेस की पैलेट से मैं ये पिक कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक शेड। आपके पास किसी भी पैलेट पे ये शेड हो तो आप इस तरीके से पिक करना। अगर आप बिगनर्स हो तो आप प्लीज़ ब्रश का यूज करना, इस जगह पर आप फिंगर का यूज़ मत करना, वरना आपकी जो सिमर शेड है या फिर आप जो मेटालिक शेड यूज करेंगे वो आपकी क्रीज लाइन से ऊपर लग जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। आपको सिर्फ मिडिल ऑफ आइज पर इसे अप्लाई करना है। देन मैंने यहाँ पे कप्स एंड लेसेस की पैलेट से ही ये गोल्डन सिमर शेड थी उसे मैं इस तरीके की फ्लैट ब्रश पे फिर से दोबारा मैं पिक की हूँ और गोल्डन मेटालिक शेड के ऊपर मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। बस इसे आपको प्लेस करना है इस तरीके से, आपको इसे स्मज नहीं करना है। देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको क्रीज लाइन पर नहीं लेकर के जाना है, इनर कॉर्नर पे आउटर कॉर्नर पे नहीं लेकर के जाना है, बस मिडिल ऑफ आइज पर ही अप्लाई करनी है। देन मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रोज का कॉम्ब किया है और मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास आईब्रो फिल करने के लिए किट नहीं है तो आप अपनी आई शैडो पैलेट से ही डार्क ब्राउन शेड से अपनी आईब्रो फिल कर सकते हो। देन मैंने यहाँ दोबारा से अपनी आईब्रोज को कॉम किया है और यहाँ पे मैंने मेबलिन की जेल लाइनर यूज किया है अपनी आईलाइनर के लिए। यहाँ पे मुझसे क्लिप मिस हो गई जहाँ पे मैंने लाइनर लगाया था। आप इस तरीके से लाइनर अप्लाई कर लेना। देन मैंने यहाँ पे अपनी लेसेस को कर्ल किया है, आप ना भी करो तो चलेगा। देन यहाँ पे मैंने अपनी आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे जिस डार्क ब्राउन शेड को मैंने ऊपर की तरफ लगाया था उसी डार्क ब्राउन शेड को मैं नीचे की ओर अपनी लोअर लेस लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे दोबारा से गोल्डन मेटालिक शेड अपने मिडिल ऑफ आइज पर अप्लाई कर रही हूँ और सिमर शेड भी मैंने पिक किया है और उसे जिस तरीके से मैंने ऊपर की आईलिड पर यूज़ किया था उसी तरीके से मैं नीचे की लोअर लेस लाइन पर भी मिडिल पर अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करनी है। देन मैंने यहाँ पे लिया है मस्कारा
मैं अभी फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी पर फिर भी मैं मस्कारा यूज करती हूँ। मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अच्छी तरीके से मस्कारा यूज किया है। आपको भी मस्कारा यूज करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ऑफ कैमरा ये फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।